गाइस, सो आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पीरियोडिसिटी। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पीरियोडिसिटी। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पीरियोडिसिटी में अब हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड के अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, डायगनली, एवरीथिंग, ओके, सो प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे, जिसमें जनरली आपका एटॉमिक साइज भी आता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी आता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आएगा, और बाय द एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इनके हम लोग फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग भी देखेंगे, साथ साथ एप्लीकेशन भी देखेंगे, और इस चैप्टर को कंप्लीट डिटेल्ड एनालाइज करेंगे। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि पीरियोडिसिटी एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि मोजले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रपोज की, उसमें हमें वर्टिकल कॉलम्स भी दिखाई दिए और हॉरिजॉन्टल रोज भी दिखाई दी। वर्टिकल कॉलम्स को हम लोगों ने ग्रुप कहा और हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोगों ने पीरियड्स कहा। ठीक है, सो दोस्तों, द रेगुलर ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये वो डेफिनेशन है जहां से आपको एक एलिमेंट्री आइडिया लगाना है। ओके, पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे ग्रुप वाइज या लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड वाइज, तो जैसे जैसे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, एटॉमिक मास चेंज हो रहा है, एलिमेंट खुद भी चेंज हो रहा है, प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, तो बहुत सारी चीजें आपको एनालाइज करनी है टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट वाले सेगमेंट में। ओके, तो सबसे पहले एक कॉमन बात हम लोग करना चाहेंगे, ठीक है, कि अगर मैं पीरियड के अकॉर्डिंग देखूं, ठीक है, पीरियड के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों नंबर ऑफ पीरियड अगर इंक्रीज होते हैं तो टॉप टू बॉटम की कहानी है, लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर पीरियड की बात करूं, लेफ्ट टू राइट की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, मान लीजिए कि सेकंड पीरियड है, ठीक है, सेकंड पीरियड में यहां पर आ रहा है क्या, लिथियम, बगल में बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियॉन, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं इन अ पीरियड वाइज, द अल्टीमेट ऑर्बिट रिमेन सेम, यानी कि आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि स्मॉल एन की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, ठीक है, सो अल्टीमेट ऑर्बिट रिमेन सेम, लेकिन बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते चले जाएंगे। कैसे, मान लीजिए कि मैं सेकेंड पीरियड की बात करना चाहता हूं, सुनिएगा, लिथियम आ गया, ठीक है, बेरिलियम आ गया, बोरॉन आ गया, कार्बन है, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, ठीक है, देन नियॉन, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं लिथियम का, और अगर मैं सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, यानी कि वैलेंस शेल का, तो ये क्या लिखूंगा मैं यहां पे, 2s1, बेरिलियम के लिए क्या लिखूंगा मैं, 2s2, यहां तक आपका s ब्लॉक कंप्लीट। अब p ब्लॉक की बारी, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल के लिए क्या लिखना चाहूंगा मैं, 2s2, 2p1, कार्बन के लिए क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं अपन, 2s2, 2p2, ठीक है, नाइट्रोजन के लिए क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं अपन, 2s2, 2p3, ऑक्सीजन के लिए 2s2, 2p4, फ्लोरीन के लिए अपन क्या लिखेंगे, 2s2, 2p5, और नियॉन के लिए अपन क्या लिखेंगे, 2s2, 2p6। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिएगा किस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। यहां लिथियम के लिए अगर बात करें तो वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, बेरिलियम के लिए अगर बात करें तो वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, ओके, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, और नियॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ग्रेजुअली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ऑक्टेट कंप्लीट। तो रेगुलरली आपका अल्टीमेट ऑर्बिट तो सेम था। अल्टीमेट ऑर्बिट क्या था मैं बताना चाहता हूं, आप देख सकते हैं कि ये था आपका अल्टीमेट ऑर्बिट, ठीक है, ये n की वैल्यू सेम थी, ओके,
आपके लिए n की वैल्यू क्या थी यहां पे, 2, ठीक है, ये सेम था आपका, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं पीरियड वाइज। फिर अगर मैं और आगे की बात करूं, यानी कि ग्रुप के अकॉर्डिंग बात करना चाहूं, तो ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द अल्टीमेट ऑर्बिट रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, यानी कि एन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आपका फर्स्ट पीरियड है तो एन की वैल्यू 1 रहेगी, अगर आपका सेकेंड पीरियड है एन की वैल्यू 2 रहेगी, ओके, अगर आपका थर्ड पीरियड है तो आपके एन की वैल्यू 3 रहेगी, एंड सो ऑन, ठीक है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं ये पूरी इसको जरा इरेज कर देते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से सेम रहेंगे, ओके। जस्ट सपोज बच्चों कि अगर मैं फर्स्ट पीरियड की बात करूं, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड और सिक्स्थ पीरियड, और आप चाहो तो ये रहा सेवंथ पीरियड, ओके। तो अगर मैं बात करूं तो यहां आता है आपका हाइड्रोजन, यहां आता है लिथियम, ठीक है, हली ना का रब से फरियाद, ठीक है, रब से फरियाद। तो अगर मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बच्चों, 1s1 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पीरियड, ये हो जाएगा मेरे लिए 2s1 लिथियम का, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3s1, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 4s1, रुबीडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 5s1, सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 6s1, फ्रेंशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 7s1। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने क्या इंडिकेट किया हुआ है कि नंबर ऑफ शेल्स जो हैं, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो क्या है, ये जो चीज आप मैथमेटिकल डिजिट्स देख पा रहे हैं, ये रेगुलर इंक्रीज हो रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन तो सब में क्या है, एक एक ही है, इन सब के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ठीक है। तो ये कहानी है ग्रुप वाइज की, जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्टीमेट ऑर्बिट में, यानी कि वैलेंस शेल में सेम रहते हैं, बट आपके ऑर्बिट यानी कि शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ओके। आगे बढ़ते हैं तो अब हम लोग बात करना चाहेंगे कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, यानी कि ऐसा कौन सा कॉज था जिसकी वजह से हमें पीरियोडिसिटी को एनालाइज करने की जरूरत पड़ी। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखना चाहते हैं क्या ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज के करस्पॉन्डिंग। सो द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू द सेम आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कमिंग एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद, यानी कि एक रेगुलर पीरियड के बाद एलिमेंट्स अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रिपीट करते हैं बट हायर एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल हमारे पास है बोरॉन जो कि सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है, और थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है हमारा एल्यूमिनियम, ओके। अगर मैं बोरॉन की बात करूं तो बोरॉन पी ब्लॉक का एलिमेंट है और बोरॉन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पी ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग क्या है, 2s2 2p1, और वहीं एल्यूमिनियम पी ब्लॉक का एलिमेंट है लेकिन थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, आपका क्या है यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3s2 3p1। आप देख सकते हैं कि अगर इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखा जाए तो वो है ns2np1, सिर्फ n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है बिकॉज नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज हो रहे हैं, ओके। सो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, सेकेंड पीरियड के बाद थर्ड पीरियड जब आया तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रिपीट हुआ बट नंबर ऑफ पीरियड्स इस बार इंक्रीमेंट के साथ लिखा गया है। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसलिए हमें पीरियोडिसिटी पढ़ने की जरूरत थी। ये एक मेन कॉज था जब एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चेंज हो जाता है उनके करस्पॉन्डिंग पीरियड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस आते हैं।
बोरॉन की प्रॉपर्टी अलग होगी या एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी अलग होगी, ठीक है, यही सब हमें एनालाइज करना है। चलिए आइए आगे की कहानी देखते हैं। इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर एट इंटरवल्स ऑफ 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32। दिस इज योर मैजिक नंबर। आपको याद होगा कि हम इन्हें मैजिक नंबर कहते हैं, है ना। यानी कि फर्स्ट पीरियड में आपके पास दो एलिमेंट हैं, कौन कौन, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ओके। सेकेंड पीरियड में आपके पास एट एलिमेंट्स हैं, कौन कौन, लिथियम टू नियॉन, ओके। थर्ड पीरियड में एट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फोर्थ पीरियड में आपके पास 18 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फिर फिफ्थ पीरियड में आपके पास 18 एलिमेंट्स हैं, सिक्स्थ पीरियड में आपके पास 32 एलिमेंट्स हैं, और अब तो सेवंथ पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स आ चुके हैं। तो ये वो मैजिक नंबर्स हैं जो आपको बता रहे हैं, यानी कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ एग्जिस्ट करते हैं सेम इंटरवल के अकॉर्डिंग जनरेट होते हैं। यानी कि अब सुनना मेरी बात, फर्स्ट पीरियड हो गया ये जिसमें दो एलिमेंट हैं, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, और एक सेवंथ और आएगा, 32 बोलते हैं उसको अपन भी, ठीक है। सो दीज नंबर आर कॉल्ड एज व्हाट, मैजिक नंबर्स। ये चीज आपको पहले भी बता दी गई है और यहां पर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करने वाले हैं हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। और उस पीरियोडिक प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों वैलेंसी। मैं बताना चाहता हूं कि वैलेंसी क्या होता है। इट इज जस्ट अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है, बाय विच दैट एलिमेंट कैन फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड एंड मेक अ मॉलिक्यूल टू गेट अ स्टेबिलिटी, ठीक है। यानी कि वैलेंसी वो टर्म है, उस टर्म का नाम है वैलेंसी, जब कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होने के लिए अपनी कैपेसिटी शो करता है कि मैं तुमसे सिंगल बॉन्ड बना सकता हूं, मैं तुमसे डबल बॉन्ड बना सकता हूं, मैं तुमसे ट्रिपल बॉन्ड बना सकता हूं, लाइक दैट, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये वैलेंसी जो है इसे और अच्छे से कैसे एनालाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो वैलेंसी क्या है एक्चुअली, इट इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, जो कि मैंने अभी अभी आपको ऑलरेडी ओरली बोल दिया है, ठीक है। और ये जो वर्ड है वैलेंसी, सुनना जरा, द वर्ड वैलेंसी इज डेराइव्ड फ्रॉम एन इटालियन वर्ड। इसका मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। मान लीजिए मेरे ये दो हाथ हैं, मैं यहां से भी किसी को पकड़ सकता हूं, यहां से भी किसी को पकड़ सकता हूं, तो मेरा नाम है पराग और नाव। अब मेरी वैलेंसी कितनी है, दो, ठीक है, मेरी वैलेंसी है टू, क्योंकि मेरी कंबाइनिंग कैपेसिटी दो है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे वैलेंसी के ओल्ड कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। एंड इट इज गिवन बाय ग्रैंकलैंड, ये हमारे एक साइंटिस्ट थे, बुजुर्ग है काफी, ठीक है। चलिए देखते हैं ओल्ड कंसेप्ट क्या था। सो ओल्ड कंसेप्ट था क्या, ओल्ड कंसेप्ट कहता था कि वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दैट इज वन ओनली, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के करस्पॉन्डिंग वैलेंसी वन होती है। क्यों होती है वन, आइए यहां पर देखते हैं, छोटा सा स्पेस लेते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा सब कुछ, ठीक है। मेरी बात अच्छे से सुनिएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए कि मैं हाइड्रोजन के बारे में कुछ एनालिसिस करना चाहता हूं, तो हाइड्रोजन का सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखकर देखूंगा, दैट इज 1s1, यानी कि हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, और हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है दैट इज स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। दिस इज दी 1s ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये रहा उसका एक इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, राइट। तो अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले तो उसका 1s ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो जाएगा और हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा, है ना।
सॉरी, सो यानी कि हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, राइट right? तो मैं बोल सकता हूं हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, दैट इज वन ओनली, ठीक है। हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, वन, और यही जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है यही तो वैलेंसी है। इसलिए अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्ट जो कि ग्रैंकलैंड ने दिया था, उसने कहा था कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी है वन, और क्लोरीन के रिस्पेक्ट में भी वैलेंसी वन होगी। उसका भी एग्जाम्पल मैं अभी देना चाहता हूं, ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहां पे बात कर लेते हैं, अपने पास अच्छा खासा स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। सो आइए जरा देखते हैं, क्लोरीन का कैसा केस रहेगा। क्लोरीन के बारे में भी आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं मैं, ठीक है भाई। ये है क्लोरीन, हम जानते हैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों। ये क्लोरीन जो है थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है हैलोजन फैमिली से, 3s2 3p5। अगर और अच्छे से देखा जाए तो क्लोरीन के 3s में दो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, ठीक है, ओके। दिस इज योर 3px, दिस इज योर 3py, दिस इज योर 3pz, 1 2 3 4 5, बस एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लोरीन का 3pz वेकेंट है, ठीक है, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कहीं से तो क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्लोरीन अपनी कंबाइनिंग कैपेसिटी शो कर रहा है कि उसे एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, और क्लोरीन की कंबाइनिंग कैपेसिटी है वन। इसका मतलब यह है कि क्लोरीन की वैलेंसी भी वन है। समझ में आ रही मेरी बात, ओके। तो क्लोरीन के 3pz ऑर्बिटल में, कौन से ऑर्बिटल में क्लोरीन के बच्चों, क्लोरीन के 3pz ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। मैं बोल सकता हूं कि कंबाइनिंग कैपेसिटी इसी के करस्पॉन्डिंग शो की गई है, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी है वन, यानी कि क्लोरीन की वैलेंसी है वन। तो ये स्टेटमेंट मैंने ट्रू कर दिया है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी जो है वन होगी, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन उस केस में अपना डुप्लेट पूरा कर सकता है और क्लोरीन उस केस में अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है, यानी कि स्टेबिलिटी गेन कर सकते हैं। चलिए अब आगे की बात करते हैं, ठीक है, फिर मैं और आगे की कहानी बताऊं तो सुनना अच्छे से। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम्स अट्रैक्टेड विथ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है, सुनना मेरी बात। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की नीड है और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो बच्चों मैं एक अगर एक एग्जांपल ले लूं यहां पर, ठीक है, सुनना जरा, एक एग्जांपल मैं लेना चाहता हूं आपको बेटर एक्सप्लेनेशन देने के लिए। हाइड्रोजन कहता है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, क्लोरीन कहता है कि उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो ठीक है तुम दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो। तो यहां से हाइड्रोजन कहता है कि मेरे डुप्लेट आ गए, यहां से क्लोरीन कहता है कि मेरा ऑक्टेट आ गया, यह बॉन्ड बन गया। मैं बात कर रहा था आप लोगों से HCl मॉलिक्यूल की, मैं बात कर रहा था आपसे किसकी, HCl मॉलिक्यूल की। तो इस तरीके से हाइड्रोजन और क्लोरीन ने अपनी वैलेंसी शो की है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं फर्स्ट ए ग्रुप की बात करता हूं यहां पे, तो सोडियम और हाइड्रोजन आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके सोडियम हाइड्राइड बना सकते हैं, ठीक है, ओके। अगर मैं सेकेंड ए ग्रुप की बात करूं तो मैग्नीशियम और हाइड्रोजन आपस में कनेक्टेड होकर मैग्नीशियम हाइड्राइड बना सकते हैं, MgH2, ठीक है। थर्ड पीरियड की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से कनेक्टेड होकर एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्राइड बना सकता है। यहां देखिए फोर्थ पीरियड की अगर बात करें, सॉरी मैं पीरियड बोल रहा हूं जब से, सॉरी, ये फर्स्ट ए ग्रुप, ये सेकेंड ए ग्रुप, ये थर्ड ए ग्रुप, ये फोर्थ ए ग्रुप, सिलिकॉन चार हाइड्रोजन से कंबाइन हो गया
सॉरी, फिफ्थ ए ग्रुप में फास्फोरस हो गया, ठीक है, फिर सिक्स्थ ए ग्रुप पे चलते सल्फर हो गया, फिर सेवंथ ए ग्रुप पे आते हैं HCl हो गया, जिसका एग्जांपल मैंने अभी लिया था, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग ऐड हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर अगर बात की जाए, हाइड्रोजन ने एक वैलेंसी शो कर रखी है, हालांकि एक एक ही वैलेंसी है सब में, ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी होती है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब यहां देखिए क्लोरीन के करस्पॉन्डिंग, क्लोरीन सोडियम से कनेक्टेड है, यहां पर वैलेंसी दिखाई गई है, यहां वैलेंसी दिखाई गई है, ये देखिए एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये देखिए फॉस्फोरस तीन क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, सिलिकॉन यहां पे चार क्लोरीन से जुड़ेगा, यहां पे तीन लिखा हुआ है, मैं इसको कर देता हूं सही, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, अपन इसको कर देते हैं सही, और यहां पर भी हाइड्रोजन आएगा, क्लोरीन लिखा हुआ है, ठीक है, इसको अपन सही कर देंगे, या फिर चलो ठीक है क्लोरीन क्लोरीन लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो यहां पे आ जाएगा SiCl4, ठीक है, यहां पे आ जाएगा SiCl4, ठीक है। तो ये वैलेंसी भी करस्पॉन्डिंग आएंगी फिर, ठीक है, यहां पर भी कुछ एरर्स हैं शायद दिखाई दे रही है मेरे को, यहां पे आना चाहिए था क्या, यहां पे तीन आना चाहिए था और यहां पे फोर आना चाहिए था, ठीक है, चलो ठीक, इसको कर देते हैं सही अपन, थोड़ा आगे पीछे हो गया है वो, ठीक है, यहां पे तीन लिख देते हैं और यहां पे फोर लिख देते हैं, तो इस तरीके से वैलेंसीज रहेंगी, ओके। तो चलिए ये चीज भी आप लोगों ने देख ली, ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ता हूं मैं, अब एक छोटा सा नोट पॉइंट आ रहा है, जरा देखते हैं क्या लिखा है। नोट पॉइंट कहता है कि विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन अक्रॉस द पीरियड, ठीक है, सुनना मेरी बात बच्चों अच्छे से, नोट पॉइंट में क्या लिखा है, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस अप टू 4 एंड देन अगेन डिक्रीजेस अप टू 1। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी कैसे गई थी, अगर मैं दिखाना चाहूं तो इस तरीके से दिखा सकता हूं, थोड़ा पीछे आना चाहता हूं मैं, ठीक है, यहां देखिए ये है 1, 2, 3, 4 तक आए, डिक्रीमेंट चालू 3, 2, 1, ठीक है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये रही वैलेंसीज। सिमिलर चीज आप लोगों ने क्लोरीन के रिस्पेक्ट में भी देखी ही होगी, 1, 2, 3, ठीक है, देन 4, देन 2, देन 1, ठीक है, इस तरीके से वापस से डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, यानी कि देखो एल्यूमिनियम के जस्ट बाद क्या आएगा, ये सिलिकॉन, ये आना चाहिए था, ठीक है, फिर आएगा क्या PCl3, इस तरीके से हम लोग देखेंगे, ठीक है, यहां PCl3 दो बार है, एक्चुअली वो PCl3 नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अपन उसको बदल देंगे, ठीक है, वहां पे अपन कुछ और भी लगा सकते हैं, ओके, आप तो ये समझ लो कि ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें भी, छोड़ दो, ठीक है। फिर बात आती है क्या, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी की बात करें, तो सबसे पहले मैं एक आपको रफ आइडिया दे देना चाहता हूं, आ जाइए देख लेते हैं ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखना चाहता हूं, दैट इज 2s2 2p4, ठीक है, इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, 2s ये दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आ जाइए फटाफट, ये है आपका 2px, ये है आपका 2py, ये है आपका 2pz, ठीक है, ये है आपका 2pz, अबे आके नहीं रहा, ठीक है, 1, 2, 3 और ये 4, आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के 2py में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2pz में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2py और 2pz एक एक इलेक्ट्रॉन की कंबाइनिंग कैपेसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है दैट इज 2, ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे, ओके, ये चीज मैंने अभी आपको क्लियर कर दी है, ठीक है,
अगली स्लाइड पे आते हैं। सो अब मेरी बात अच्छे से सुनना, ये आगे क्या कहना चाहता है ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग। इट इज डिफाइंड एज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, अटैच विद अ पर्टिकुलर एटम। यानी कि क्या, आइए आप देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट ए ग्रुप में देखिए सोडियम का ऑक्साइड है, तो यहां पर अगर देखें Na2O बन रहा है, ठीक है, क्या वैलेंसी है यहां पे, 1। यहां देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वैलेंसी क्या है, 2, ठीक है। ये सोडियम ऑक्साइड की वैलेंसी, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सिलिकॉन ऑक्साइड, ये फॉस्फोरस का ऑक्साइड, ये सल्फर का ऑक्साइड और ये क्लोरीन का ऑक्साइड, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग वैलेंसीज ये है, समझ में आ रही है आपको, उसके ग्रुप के करस्पॉन्डिंग है वो, ठीक है। जैसे कि ये फर्स्ट ए ग्रुप है तो 1, सेकेंड ए ग्रुप है तो 2, थर्ड ए ग्रुप है तो 3 एंड अप टू 7th ए ग्रुप है तो 7, ओके। ये चीज आपको देखना है। एक छोटा सा नोट पॉइंट है, जरा उसको और देख लेते हैं, ठीक है। वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इंक्रीज होती है 1 से 7 तक, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड, यानी कि फर्स्ट ए ग्रुप से लेकर 7th ए ग्रुप तक, ठीक है, वैलेंसी 1 से 7 तक इंक्रीज होती है अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। और एक और बात याद रखना, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर। तो हम समझ गए कि जो ग्रुप था वही उसकी वैलेंसी भी बन गई, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात, ओके। तो फिर अब हम लोग कवर करेंगे न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है।